हे गाइस, टेक्निकल बंशीधर हियर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से अपने मोबाइल की बैटरी डुबल करते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। तो आप तो जानते होंगे कि कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो दावा करते हैं कि आप अपनी बैटरी बूस्ट कर सकेंगे, फास्टली चार्ज कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकेंगे, लाइक ड्यू बूस्टर, क्योंकि वो भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको चैलेंज करता है कि आप उसे इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आपका बैटरी फास्टली चार्ज हो जाएगा और जल्दी उतरेगा नहीं और काफ़ी बैटरी सेव होगा, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक निकाली है और मैं आज के आपके सबके सामने वो रखने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपनी सेटिंग्स में और हम यहाँ से अपनी सेटिंग्स में चले जाते हैं। सेटिंग में चले जाने के बाद आपको करना क्या है, अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो आपको अपने अबाउट फोन में जाना है और यहाँ पर बिल्ट नंबर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर बिल्ट नंबर आप देख सकते हैं। उस बिल्ट नंबर पर आपको 7 से 8 बार टैप करना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मेरा तो वैसे ही ऑन है। अगर आपका ऑन नहीं है तो आप डेवलपर ऑप्शन को वहाँ से अबाउट फोन में जाकर बिल्ट नंबर में टैप कर ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ डेवलपर ऑप्शन, तो आ गया यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन। तो उस पर टैप कर देने के बाद ये ओपन हो गया है। अब आप इसे स्क्रोल डाउन कीजिए। जहां तक मैं करता हूँ वहां तक कीजिए स्क्रोल डाउन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमुलेट कलर स्पेस, तो सिमुलेट कलर स्पेस पर ओपन कर दीजिए। फिर से एक बार ओपन कर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं सिमुलेट कलर स्पेस और यहाँ पर डिसेबल लिखा हुआ है इसके नीचे, तो उसके ऊपर टैप कर देना। और जैसे ही आप उस पर मोनोक्रोमेक्सी पर टैप कर देंगे तो हमारा मोबाइल है जो ब्लैक एंड वाइट हो चुका है दोस्तों। तो अगर आपको देखना है तो चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर मेरे कुछ ऐप्स देख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि मेरे सारे ऐप्स जो है ब्लैक एंड वाइट में आ गए हैं। और वैसे अगर उस हम पहले जैसा कर दें डिसेबल तो आप देख सकते हैं रंगीन आ गए हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम रंगीन ऐप्स यूज़ करते हैं या फिर हम जब भी चार्जिंग लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका जो बैटरी बार होता है वो रंगीन होता है। तो बेसिकली होता क्या है, ज़्यादा कलर्स यानी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, और उसकी वजह से आपका जो बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लो होने का चांसेस रहता है। और जैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और सभी के सभी एप्लीकेशंस हैं जो कि कलर्स में आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सुपर हीरोज़ का ऊपर टैप करूँ तो यहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं सब कुछ कलर में आ रहा है। और जैसे ही आप यहाँ से इसे मोनोक्रोमैक्सी कर देंगे तो आप देख लीजिए किस तरह से पूरे तरह ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। इसका फ़ायदा तो काफ़ी है ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप इसे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ब्लैक एंड वाइट में तो ज़्यादा बैटरी खर्च नहीं होता। अगर आपको पता होगा तो पहले जो बटन्स के छोटे छोटे फ़ोन होते थे सैमसंग के या फिर किसी और नोकिया के वगैरह, तो आपको पता होगा कि वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन थे और उसके अंदर बैटरी कम से कम 2 हफ्ते टिकती थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस ट्रिक से आपकी बैटरी कितनी ग्रो होने वाली है। अगर आपकी बैटरी कम से कम 1 दिन चलती है या फिर 5 से 6 घंटे चलती है तो उसका बैटरी बैकअप डबल होने वाला है। तो अगर आप चाहे तो इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी ट्रिक है। और सबसे अच्छा तो ये है विदाउट किसी एप्लीकेशन के, क्योंकि अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता तो वो कुछ झंझट का काम था, लेकिन ये किसी झंझट का काम नहीं है दोस्तों। तो फिर इसे एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे हम डिसेबल कर देंगे आ गया कलर में, तो कलर्स ज़्यादा चार्जिंग खाता है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नीचे सब्सक्राइब बटन पर टैप कीजिए, उसे तोड़िए फोड़िए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही थम्सअप यानी कि एक लाइक देना ना भूलिए। और गुड बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय बाय।